इंग्लिश में हेडिंग होगा स्वामी ओम जी केप्ट टाइम कैप्सूल इन श्री राम्स बर्थ प्लेस, और हिंदी में शीर्षक होगा श्री राम जन्मभूमि में टाइम कैप्सूल को स्वामी ओम जी ने दफनाया। हेलो मेरे प्यारे वैश्विक हिंदुओं, दर्शकों, श्रोताओं एंड डियरेस्ट ग्लोबल व्यूअर्स लिसनर्स सहित ग्लोबल मीडिया आज सभी क्षेत्रों में कार्यरत सभी महानतम लोगों को संबोधित करते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ओम जी महासंघ, हिंदू महासभा, ओम जी हिंदू सेना, श्री राम भक्त कल्याणार्थ स्थापित अन्य 51 वैश्विक संस्थाओं के वैश्विक अध्यक्ष तथा संस्थापक एवं बिग बॉस स्वामी ओम जी ने श्री राम लला के जन्मभूमि परिसर के भूगर्भ में गर्भनाल रूपी टनल खोदकर जमीन से 200 फीट नीचे निरोजिन स्टील ताम्रपत्र अष्टधातु पत्र पर 1,00,000 शब्दों से संस्कृत में लिखित व कंटेनर के रूप में निर्मित टाइम कैप्सूल को श्री राम कालपात्र नामक कंप्यूटर चिप को ग्रेनाइट पत्थर के बॉक्स में सुरक्षित करके स्वामी ओम जी के हाथों से उस टाइम कैप्सूल को दफनाया गया है, जिसमें पिछले 40 वर्षों से स्वामी ओम जी द्वारा मंदिर निर्माणार्थ किए गए संघर्षों सहित मंदिर के पिछले 5 वर्षों के संघर्षों का सबूतों सहित संक्षिप्त इतिहास व उसमें भाग लेने वाले प्रमुख लोगों के नाम भी संस्कृत में लिखा गया है तथा उस उपरोक्त टाइम कैप्सूल में स्वामी ओम जी को ऐतिहासिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माता व रामदूत के रूप में घोषित किया गया है, जिससे उपरोक्त टाइम के कैप्सूल लाखों सालों तक भूगर्भ में सुरक्षित रहेगा तथा जिससे भविष्य में किसी भी मुस्लिमवादी सरकारों या संगठनों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी विवाद उत्पन्न करने पर उपरोक्त टाइम कैप्सूल में स्वामी ओम जी द्वारा डाले गए उपरोक्त सभी सबूतों के आधार पर फौरन ही उन काल्पनिक विवादों का निपटारा किया जा सकेगा। स्मरणीय है कि इससे पहले भी स्वामी ओम जी की परम शिष्या श्रीमती इंदिरा गांधी के सहयोग से उपरोक्त प्रकारेण निर्मित व 10,000 शब्दों में लिखित 1971 के पाक युद्ध में स्वामी ओम जी के तंत्र शक्ति से प्राप्त भारत विजय संबंधी संक्षिप्त विवरणों सहित स्वामी ओम जी को देवपुत्र व श्रीमती इंदिरा गांधी को देवपुत्री घोषित करते हुए स्वामी ओम जी के हाथों से तारीख 15 अगस्त 1973 को लाल किला परिसर में जमीन से 32 फीट नीचे उस कालपत्र नामक टाइम कैप्सूल को स्वामी ओम जी द्वारा दफनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और ये उल्लेखनीय भी है कि उपरोक्त टाइम कैप्सूल को दफनाते समय स्वामी ओम जी ने मानस के निम्नलिखित दोहे व चौपाइयां गाते हुए कहा था कि मंदम बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ जपत जिस नामू जासु विरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुणगण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयो कुशल देव मुनि त्राता मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी राम काज करिवे को आतुर आदि आदि अनेकों दोहे और चौपाइयां गाकर स्वामी ओम जी ने उस दौरान स्वामी ओम जी ने वैश्विक लोगों को संदेश देते हुए कहा था कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति तथा खड़ा नहीं जो भक्ति भाव से बहती उसमें रसधार नहीं इंसान नहीं वह राक्षस है जिसे राम भूमि से प्यार नहीं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने राम भक्ति को दर्शाते हुए अभी जो मैं राम मंदिर अयोध्या में जन्मभूमि पर बनाने जा रहा हूँ
उसमें करोड़ों की अरबों की तादाद में अपने घर में बैठ करके उस भूमि पूजन को आप लोग देखें, और जो मैंने अभी बयान किया है इसको आप लोग करोड़ों की तादाद में फॉरवर्ड करें, इस यूट्यूब चैनल को अरबों की तादाद में आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि उन पैसों से राम भक्ति आंदोलन को और बढ़ाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।